अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सऊदी की पहली अपडेट ही आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सऊदी अरब में पहला वीडियो इस तरह से आपने देखा होगा जो अभी आपने वीडियो देखा है। सऊदी अरब के रियाद क्षेत्र में अभी एक निजी परिसर में एक क्लिनिक चलाने वाला आदमी था जो गर्भपात का कार्य कर रहा था। यह जो महिला है उनसे 8000 रियाल ले रहा था और 28 उल्लंघन करने की वजह से इसको अभी गिरफ्तार किया गया है। मतलब यह है कि अभी 6 महीने से ज़्यादा के लिए जेल नहीं किया जाएगा, लेकिन 1,00,000 रियाल तक इसके ऊपर जुर्माना किया जाएगा। अगर आप भी सऊदी अरब में इस तरह का उल्लंघन करते हो तो तुरंत आपको गिरफ्तार करके लोक अभियान भेज दिया जाएगा। दोस्तों, सऊदी की अगली अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि पासपोर्ट के सामान साले की तरफ से पुष्टि किया गया है कि अगर आप सऊदी अरब में रहते हो, नियोक्ता परीक्षण मतलब 90 दिन की अवधि के दौरान एक अवसर अकाउंट के माध्यम से घरेलू कारगर जितने भी हैं वो अगर अंतिम निकास वीजा जारी करवाना चाहते हैं तो वो जारी करवा सकते हैं, लेकिन उनके लिए कुछ नियम है। मतलब ये है कि अंतिम निकास वीजा जारी करवाने में सक्षम आप होने चाहिए, सभी नियम को फॉलो करना चाहिए, जैसे कि रेजिडेंसी आईडी जारी नहीं की गई थी। इसके अलावा घरेलू कारगर और गैर घरेलू कारगर की संख्या 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। कार्यकर्ता मृतक के रूप में पंजीकृत नहीं होना चाहिए, काम से या राज्य के बाहर अनुपस्थित होना चाहिए। सऊदी अरब में अगर आपका पासपोर्ट 60 दिन या उससे ज़्यादा है तो भी आपका अंतिम निकास जारी किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए अपने कपिल से बात करना होगा। और एक बात है, किसी भी तरीके का आपके ऊपर उल्लंघन नहीं होना चाहिए, सभी रूल्स अगर आप फॉलो करते हो तो अंतिम निकास जारी किया जा सकता है। दोस्तों, अगली अपडेट आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट अपडेट है, क्योंकि सऊदी और भारत के राजनीतिक सुरक्षा संस्कृत और सामाजिक मामलों की समिति में बैठक हुई रविवार को सऊदी के राजधानी रियाद में। यहां पर जो मंत्रिमंडल के नेतृत्व में विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान है और इसके साथ जो भारतीय प्रतिनिधि मंडल के नेतृत्व विदेश मंत्री सुब्रत जयशंकर हैं, इनके बीच में बैठक हुई है। दोस्तों, जब बैठक की गई तो इसमें सिर्फ 2-3 चर्चे की गए हैं, जैसे कि निवेश के बारे में और द्विपक्ष के समझौते के बारे में। मतलब पूरी तरह से अगर बात करें तो यहाँ पर जो अजनबी हैं उनके बारे में कुछ भी अपडेट नहीं दिया गया है कि इनकी सुरक्षा और बाकी चीज़ों के लिए। इसको लेकर आपके मन में क्या सवाल है, आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करें।